हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट बंटा। स्वागत करते हैं आपका। तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम, सस्रियाकाल करता हूं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आज जो है मुसलमान भाइयों का ईद है, और ईद के दिन पे हमको एक विशेष प्रकार का छुट्टी मिला है, क्योंकि हमको जल्द छुट्टी मिलता नहीं है, क्योंकि मैं बच्चों लोगों को पढ़ाता हूँ, वो भी होम ट्यूशन। तो दोस्तों, आज मैंने टाइम निकाला है आप लोग को एक वीडियो बनाने के लिए। और सबसे पहला एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग को सप्ताह में 2-3-4 ऐसे वीडियो मिल ही जाएंगे, क्योंकि मैंने एंटरटेनमेंट बंटा चैनल पे 2 आदमी को और ऐड किया है, वो है सनोज प्रजापति और राजू कश्यप। तो वो लोग भी इस चैनल पे शॉर्ट वीडियो मतलब बनाएंगे और लॉन्ग वीडियो भी बनाएंगे। तो चलिए पहले इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो मैंने वीडियो बनाने के लिए एक ऐसी जगह का चयन किया है कि यहाँ पे कहीं कहीं से 1-2 बंदे दिख जाएंगे, वरना कोई नहीं दिखेंगे। मैं एक गोल गोल राउंड करके दिखा देता हूँ, ये पूरे तरीके से पूरा के पूरा खाली जगह है। इस जगह को आप हमारे भाषा में चवर भी कह सकते हैं, यानी वैसी जगह जहाँ पे घर न मकान, बस ऐसे ऐसे टावर दिखाई देंगे और बिजली का ये वायर दिखाई देंगे। दोस्तों, मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि ऐसे जगह सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही उपलब्ध है, क्योंकि हमारे भारत का अधिकांशतः भाग जो है ग्रामीण जीवन में है। तो अभी हम थोड़ा देर में यहाँ से थोड़ा निकलने वाले हैं। आगे जो है देवी का स्थान है, उस देवी के स्थान पे मैं जाना चाहूँगा और वहाँ के कुछ दृश्य को दिखाऊँगा, और वहाँ से फिर हम घर निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 बजे से लेकर 7 बजे तक एक बैच है मेरा, एक बच्चे का बैच जो रिधम नाम है, उसका एक बैच है, उसको पढ़ाना भी है 6 से 7। और अभी जो टाइम हो रहा है लमसम 5:30 हो रहे हैं। तो चलते हैं उस जगह पे और आप लोगों के साथ पहले देवी का दर्शन करते हैं। तो हम आ गए हैं बालक देवी, यही है बालक देवी का स्थान है। यहाँ पे जब शादियाँ होती हैं तो यहाँ पे लोग आते हैं मन्नत मांगने, और पूजन में भी इनका पूजा करते हैं। ऐसा मेरा भी शादी हुआ था, तो मैं यहाँ पे आया था और यहाँ पे आशीर्वाद वगैरह लिया था। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं थोड़ा घर, इसके बाद फिर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना। और ये लोग, कुछ लोग यहाँ पे रहते भी हैं, उन लोगों का जो कपड़ा है धोकर फैलाया हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग, मैं बता देना चाहता हूँ कि सामने जो फील्ड नज़र आ रहा है उसमें बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हम चल रहे हैं घर। दोस्तों, बालक देवी स्थान से हम लोग अभी सेमरा चौक के आसपास आ गए, अभी चलते हैं घर और फिर वहां से साइकिल उठाकर कुनासी तो जाना ही है। साथ में ये सिंगर भी है, ये ऐसे तो रिश्ते में चाचा लगेंगे। इनका नाम है क्या नाम है वो? रामू दीवाना। मुझे समझ में नहीं आता ये भोजपुरी सिंगर लोग ये सरनेम बदल क्यों लेते हैं, टाइटल में दीवाना, छबेला, ये खेसारी, क्या क्या लगाता है, बलमुआ। चलिए अब चलते हैं हम घर पे, फिर वहाँ से निकलना है कुलासी। ये हमारे गांव के पूरब साइड में जो नहर है, इसमें अभी सब स्वच्छता अभियान चल रहा है, और यहाँ पे बहुत बढ़िया से सभी नहर का सफाई हो रहा है, ताकि यहाँ जो प्लास्टिक होता है प्लास्टिक मुक्त किया जा रहा है, क्योंकि हमें अपने मिट्टी को बचाना है और प्लास्टिक का गुड बाय करना है। इसमें जैसा आप देख सकते हैं प्लास्टिक। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। लाइक कीजिएगा।